गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट एंड देयर डिशेस। पिछले बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में देखने को मिला था कि जो है ये जो डिश कहाँ से फेमस है कैसे, और इसमें हमारे कम से कम 3 से 4 नंबर गलत हो जाते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि कभी अगले शिफ्ट में जैसे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, उसके नेक्स्ट जो शिफ्ट में पेपर आया था उसमें थोड़ा सा उसको घुमा के दे दिए थे। ठीक है, तो आज हम पहले आपको जो है सारा कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे और पढ़ने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो पिछले बार देखने को मिले थे। ठीक है, तो पूरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। इसके पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस स्टेट यानी राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अगर नारियल की तेल की बात करता है, ठीक है, तो पिछले बार ये क्वेश्चन केरल से भी रिलेटेड आया था। यहां पे देखिए, अगर ऑप्शन में नहीं है, जहां अगर सरसों का तेल आपको समझ में आएगा वहां पे क्या होगा, ऑप्शन आपको क्या लगाना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर यहां बात कर रहा है गोवा, चूंकि नारियल ज्यादा कहां होता है, गोवा में होता है, गोवा के तेल में पकी हुई जो मछली खाई जाती है समुद्री मछली, ठीक है, समुद्र कहां है, गोवा में, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में मत लगाइए, बहुत कंफ्यूजन हुई थी लोगों को। ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो गोवा के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पकाने के तरीके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पकाने के तरीके, जी मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, पिछले बार बहुत बार आया था क्वेश्चन, तो हम कैसे कैसे चीजें पका सकते हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। ठीक है, तो अगर पकाने के तरीके आते हैं तो ये जो सारे ऑप्शन जिस उसमें रहेंगे कॉलम में, वहां पे आप टिक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग कहां होते हैं, कचनार के फूल और सहजन के फूल में होते हैं। ठीक है, तो अगर सहजन के फूल पता है आपको, ये गांव में बहुत ज्यादा सहजन के फूलों के पकौड़े बनते हैं। ठीक है, सहजन के फूलों की सब्जियां बनती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। ठीक है, तो इसलिए महाराष्ट्र में सहजन के जो फूल के जो पकौड़े बनाए जाते हैं वो महाराष्ट्र पे टिक करिएगा। ठीक है, तो दो तरीके से पूछ सकता है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहां बनते हैं, महाराष्ट्र में, या फिर महाराष्ट्र में किसके फूलों के पकौड़े बनाए जाते है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असम से। असम वाला जो क्वेश्चन है वो है कि बोरा आसाम में खाया जाने वाला चावल की एक किस्म है, और जो त्योहार यहां मनाया जाता है वो बिहू होता है, और जो फसल कट जाती है उसके बाद ये त्योहार मनाया जाता है, उसके बाद खाने पीने की बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये जो त्योहार है वहां मनाया जाता है, तो अगर त्योहार की बात करता है तो बिहू है, और अगर बोरा और इसकी आसाम में खाए जाने वाले चावल की किस्म बोरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवा तथा कश्मीर। ठीक है, गोवा, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया है, गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। अगर यहां पे हम बात करते हैं देखिए गोवा की, ठीक है, तो गोवा नारियल से है, पता है आपको। दूसरा जो है सरसों के तेल की अगर हम बात करें, तो जो सरसों के तेल होते हैं हमेशा याद करना है आपको, जम्मू एंड कश्मीर में टिक करना है, कभी भी कहीं और इधर उधर मत टिक करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार बहुत बार देखने को मिला था। ठीक है, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है गुजरात। ठीक है, गुजरात में क्या चीज फेमस है आपको पता है, एक मुझे ऐसा याद है शायद 3 जनवरी का पेपर था कुछ आया था कि वलसाड स्टेशन गुजरात में है। ठीक है, यहां बटाटा बड़ा पूरी साग मशहूर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुजरात की जो चीजें हैं वो तो खांडवा है, ये सब चीजें हैं, तो बटाटा बड़ा कहां से आ गया, पूरी साग मसूर कहां से आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो गुजरात होगा। ठीक है, तो इसको एक बार जो है अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केरल से। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, सबको पता है कि जो केरल में सबसे ज्यादा कोकोनट मतलब नारियल के ही पेड़ होते हैं, और यहाँ चावल की खेती होती है, हर तरीके के चावल की जो किस्म होती है वो केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यहां की जो सब्जी बनती है ना, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है।
ठीक है। और ज्यादातर जो साउथ वाली चीजें है ना वो सारी केरल में ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं ठीक है कि इडली डोसा कहा, अगर ऑप्शन में केरल है तो केरल आप लगा सकते हैं, बाकी अगर और कोई ऑप्शन नहीं है जैसे तमिलनाडु नहीं है ये सब चीजें नहीं है, लेकिन अगर केरल है तो केरल में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि केरल तमिलनाडु व कर्नाटक इन सब का जो ये होता है कौन कौन सा, यहां पे देखिएगा ये है इडली डोसा चावल एंड केरल में सबसे ज्यादा टैपियोका। पिछले बार ये क्वेश्चन बहुत शिफ्ट में आया था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि टैपिकोवा क्या है, तो एक चीज बता दे टैपिकोवा को वो तीन नामों से दे सकता है, कौन कौन सा, कसावा और साबुदाना। ठीक है, साबुदाना आई थिंक आप सब यूज भी करते होंगे, जिन्हें नहीं पता है वो ना यूज किए हो सकता ना पता हो, लेकिन ये जो टैपिकोवा होता है ये केरल में यूज होता है। और जैसे हमारे जो है ना यूपी में देखिए क्या होता है मोस्टली, जैसे प्रतापगढ़ में क्या होता है आंवले की खेती होती है, तो घर में भी लोग आंवले का लगा देते हैं, थोड़ी सी जगह होती है आंवले का पेड़ लगा देते हैं, वैसे क्या होता है कि केरल में अगर थोड़ी सी जगह किसी को अपने घर में मिलती है तो टैपिकोवा लगा देंगे और जो है नारियल का पेड़ लगा देंगे। ठीक है, तो अगर कसावा आएगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, टैपिकोवा ही कसावा है वही साबुदाना है, ऑप्शन में जो आपको देखने को मिले वहां पे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हांगकांग, पिछली बार ये भी बहुत बार देखने को मिला था कि हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फैन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है अगर क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि कहां पे सांप का व्यंजन खाया जाता है, ठीक है, और लिंग हू फैन कहां है, तो ये चीज याद रखिएगा, फिर ये आप क्वेश्चन की तरफ आइएगा, इसे यहां पर आपको लगाना पड़ेगा जो है हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान से, सबको पता है दाल बाटी चूरमा कहाँ फेमस है राजस्थान में, या अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है होकर डिश बनाई जाती है, तो घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में होता है, राजस्थान का कल्चर जितना रिच है उतनी ही टेस्टी यहाँ की डिश होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे डिश में किया जाता है, राजस्थान नाटा के किसका कल्चर इतना ज्यादा रिच है, जितना ज्यादा रिच है उतनी ज्यादा टेस्टी यहाँ की जो डिश होती है वो भी होती है, तो वहां पे राजस्थान लगाना है, और दाल बाटी चूरमा जो है यहाँ का फेमस भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में क्या फेमस है, दाल भापला। ठीक है, और यहां पर देखिए जो है अगर पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि मुझे ऐसा पता है कि कहाँ का जो फेमस डिश है वो है दाल भापला, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो फेमस डिश है वो है दाल भापला। मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब है उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि पता है जैसे जो चीज राजस्थान में जो बहुत ज्यादा जैसे घी का यूज होता है, बहुत ज्यादा ही स्पाइसी चीजें बनाई जाती है, तो वैसे सेम चीजें मध्य प्रदेश में भी देखने के आसपास मिल जाती है, क्योंकि वहां का जो कल्चर है और चीजें हैं कुछ कुछ मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो उत्तराखंड की बात करें तो जो है मडुआ की रोटी और फानू। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जो फेमस डिश है वो है मडुआ की रोटी और फानू। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया है किसी शिफ्ट में, या आया है नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने सारे शिफ्ट का पेपर देख लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार आ जाए, क्योंकि जो पिछले बार नहीं उठा के दिए क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन उठाता है अपनी तरफ से तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का फेमस भोजन क्या है, तो मडुआ की रोटी और फानू पहाड़ी इलाकों के इस राज्य में खान पान का कुछ अलग ही है माहौल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंगाल, झींगे आलू पोस्तो। पोस्तो से याद कर लीजिएगा कि वहां पे ना ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं ना। ठीक है, तो और जो है झींगे मतलब चीजें आपको पता है बंगाल में ही ये वर्ड यूज होता है, तो अगर ऐसे आप समझ लेंगे तो एक ट्रिक के हिसाब से तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी नहीं आया है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो क्वेश्चन आए हैं जो नहीं आए हैं वो सारा इसमें मैं करवा रही हूं, ताकि अगर जो है ये सब उठा के देता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो
बंगाल की सबसे फेमस डिश का नाम है झींगे आलू पोस्तो। इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। आलू और खसखस, पोस्तक दाना, पोस्तो जिससे मतलब पोस्तक दाना है, इसे खसखस भी बोलते हैं बंगाल में, और अपने यहाँ इसे पोस्तक दाना यूज करते हैं जो ड्राई फ्रूट्स में हलवा बनाने में या लड्डू बनाने में यूज करते हैं हम। तो खसखस के दानों को मिला के इसको, इस जो ये डिश है वो तैयार की जाती है। ठीक है, फिर से बता दे रहे, बंगाल की फेमस डिश का नाम है झींगे आलू पोस्तो। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्तपम, उत्तपम डोसे की तरह है लेकिन उससे अलग होता है। इसमें उड़द की दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, अपने यूपी में उसी को सेम सूजी यानी रवे से बना लेते हैं, लेकिन जो उत्तपम मेन तमिलनाडु की जो डिश है वो जो है तैयार की जाती है उड़द की दाल और चावल को पीसकर। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो फेमस डिश है वो उत्तपम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलिए, अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ क्या है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस स्टेट के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, समुद्री मछली की बात हो रही है। ठीक है, नारियल के तेल में मछली की बात हो तो केरल। ठीक है, अगर नारियल के तेल में समुद्री मछली की बात हो तो गोवा, लेकिन अगर सरसों के तेल की मछली की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों चीज अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला नंबर तो आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन देखिए यहां पे बात कर रहा है किस चीज की, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये बात कर रहा है, देखिएगा कि समुद्री मछली की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर समुद्री मछली है तो जाहिर सी बात है यहां पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा गोवा के साथ में। ठीक है, यहां पर समुद्री मछली है, यहां पर नारियल के तेल में। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम, ध्यान दीजिएगा, गोवा, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम। तो बहुत सारे लोग जम्मू एंड कश्मीर भी लगा दिए थे, पिछले बार कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था पिछली बार, जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको अच्छे से पता होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तलकर, भूनकर, भिगोकर, बहुत सारे लोग ऑप्शन लगा लिए थे, फिर उबालकर, गूंथकर, भूनकर, लेकिन नहीं, अभी मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि खाना पकाने के जो तरीके हैं वो होता है सेकेंड वाले ऑप्शन के साथ, यहां जाएगा सेक कर, तलकर, भूनकर। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में आपको बहुत सारा दिया रहेगा। तो जो है क्या कहते हैं, सेकने के बाद कोई बेलता है क्या, आप बताइए, या उबालने के बाद कोई गूंथता है क्या? तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा बेकिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, अगर इंग्लिश वाले लोगों की बात करें, और हिंदी वाले लोगों के लिए बात करें तो सेक कर, तल कर, भून कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई शिफ्ट में पेपर आया था, हो सकता है चांसेस इस बार आने के बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर जो है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, पसंद नापसंद के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की गई है, और बताने आपको कौन सी जगह, ऊपर पढ़ा भी चुके हैं, और एक बार हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मम्मी, सॉरी यहां मान लिखा है, मुझे और मेरी मम्मी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाके लिंग फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? अब आप यहाँ पे देखिए, बता भी चुकी हूं लेकिन फिर भी देखो कि ये जो है उड़ीसा का नहीं हो सकता, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं हो सकता, असम का भी नहीं। तो ये जो लड़की है वो है हांगकांग की बात कर रही है। तो यहां जो क्वेश्चन हमारा जाएगा वो हांगकांग के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? हांगकांग के साथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? ठीक है, तो आपको पता है ये गुजरात का फेमस डिश क्या है, सबको पता है। अगर यहाँ ढोकला आ गया जो है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन यही के साथ जाएगा, क्योंकि गुजरात की जो फेमस डिश है वो ढोकला ही है। और ढोकला यहाँ पे, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ठीक है, खट्टे चावल जो होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको छोले भटूरे तो बिल्कुल नहीं लगाने हैं, देख लीजिएगा, इडली, चटनी, ये सब पता नहीं साउथ के हैं, ठीक है, पूड़ी, साग, ठंडा दूध, ये सब जो है क्या कहते हैं अपने पंजाब की तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो ढोकला के साथ जाएगा, ढोकला, चटनी एंड नींबू वाले जो चावल, खट्टे चावल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए अच्छी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको एक बार अच्छे से जो है तैयार हो जाएंगे। हो सकता है इस बार आपने इसका क्वेश्चन भी तुरंत दे दिया हो, आंसर सॉरी दे दिया हो। तो यहाँ पे देखिए जो है फिर से वही नारियल के तेल में जो पकी हुई मछली होती है, समुद्री मछली की बात कर दिया तो गोवा हो गया, ठीक है। अगर समुद्री हट जाएगा, मछली हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। यहाँ पे सरसों का तेल हो जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छठवां नंबर का क्वेश्चन है, नारियल डाली, सॉरी डाली लिखा हुआ है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा निम्नलिखित में से किस स्टेट का प्रिभोजन है? ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखिएगा पिछले बार कई बार शिफ्ट में आया हुआ है। तो टैपिकोवा जो वर्ड है, पहले तो पूछ लिया गया कि टैपिकोवा को किस नाम से जाना जाता है, एक शिफ्ट में तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सीधे सी बात है कसावा था ऑप्शन में, या साबुदाना हो ऑप्शन में तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि जो है करी के साथ हुआ टैपिकोवा। तो टैपिकोवा से अगर कोई भी क्वेश्चन है ऑप्शन में, आपको बिना कुछ देखे तुरंत लगाना है केरल में, ठीक है, क्योंकि ये होता ही वहीं पे है और आपको कोई ऑप्शन ही नहीं चुनना, बाकी सारे ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाल भापला किस राज्य का पकवान है? मध्य प्रदेश, ठीक है। मैंने बताया था ना राजस्थान से थोड़ा मिलता जुलता है, तो दाल अभी मैंने आपको पढ़ाया था उसी का ये क्वेश्चन है। तो दाल भापला किस राज्य का पकवान है? मध्य प्रदेश का। ऊपर आते हैं हम आठवें नंबर का क्वेश्चन, उत्पम किस राज्य का पकवान है? तमिलनाडु। इसको मैं पढ़ा चुकी हूं ऊपर, अब आपको क्वेश्चन में खुद ही आ रहा होगा, सारा आंसर आप खुद ही दे पा रहे होंगे। तो अगर पकवान से रिलेटेड, डिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि आपने इस जो वीडियो है इसको पूरा देख लिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य की डिश है? तो सबसे पहले बताया ही था आपको, जो सहजन के फूलों की बात जहां करता है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से जो है पढ़ा दे रही हूं इसको, अगर सहजन की फूलों की बात जहां करता है वहां पे आ जाएगा अपना महाराष्ट्र, लेकिन अगर कचनार के फूलों की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सहजन महाराष्ट्र से रिलेटेड है और कचनार हमारा जो है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही और क्वेश्चन आ भी गया, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है? तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी जो है महाराष्ट्र ही है, ठीक है। उसके बाद झिंगो एंड और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल बताया था, जो झिंगो एंड पोस्तो वो सबसे समझ जाइएगा, पोस्तो से समझ जाइएगा, पोस्तक दाना यानी खसखस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे झिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेरवा, पिछले बार ये तीन से चार शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, हो सकता है अगर आपने पिछली बार पेपर दिया हो तो ये आपका ही पेपर का क्वेश्चन हो। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो त्रिपुरा, याद रखिएगा इस बार भी आने के चांसेस है, क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का भोजन है, ठीक है। तो जो हमारे जो है हर राज्य के पकवान का ये जो पूरा वीडियो था, ये फुल वीडियो है, इससे ऊपर कहीं नहीं आएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो फिर होपफुली मतलब ये जो पेपर है, ये जो वीडियो है, ये जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो है मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करा रही हूँ यहाँ पे। सीटेट का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मैथ का आने वाला है, और जितने भी जो पेपर आए थे हमारे 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में पिछले साल के जो मैथ आए थे, और वो मैथ का अगर आप वीडियो देख लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, तो मैथ के 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि आप देखो जो सारे सवाल आए भी हैं, जो आए हैं मैथ में सवाल, वो भी सारे सवाल वही टाइम वाला है, दूरी बराबर जो चाल बटे समय, ये सारी मतलब सारी ही क्वेश्चन जो है वो वही आए हैं घूम फिरा के। तो मैथ का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।